फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उमाज लाइफस्टाइल पर और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, घर खाली खाली हो गया है और इसीलिए इतने दिन मैंने कोई वीडियोस भी नहीं डाले। बेटा निकल गया है बट विद द होप कि वो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए गया है और काम तो करना ही होगा। सो मैंने खुद को भी संभाला है, खालीपन बट अंशु है अभी तो चलता है, बाद में और भी फेस करना होगा, बट स्टिल दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ। एंड तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं मेहंदी मतलब हीना लगाने वाली हूँ। अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ तो सुबह से मैंने कुछ किया ही नहीं, तो स्कूल गई और जस्ट नाश्ता करके लंच अंशु ने किया और अब आए हैं तो थोड़ी चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर हीना लगाऊंगी, जो कि कल मैंने भिगो के रख दिया था। और दिखाती हूँ अभी आपको, मैंने कॉफ़ी पाउडर और चाय का डेकोरेशन बनाया था और उसमें उसको भिगोया है। सो चलिए दिखाती हूँ आपको वो मेहंदी फ्रेंड्स, और मैंने इसको लोहे के बर्तन में भिगोया है, अब लगाएंगे। क्या बनाया अंशु तुमने इसमें? चावल अभी बन रहा है और ये है सूरन की सब्जी, या यम्मी टेस्टी। और इसके साथ कड़ी है। अच्छा, कड़ी कर ली है, तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए। मेहंदी लगा लिया है और टाइम हो रहा है अराउंड 2:05 हो रहा है और मैं इसको आराम से 3 घंटे रखने वाली हूँ, 5 बजे ही धोऊंगी। तो चलिए फिर देखती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि इंडिगो पाउडर लगाऊंगी और मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आपको और बाद में ही इसको शेयर करूंगी अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो, क्योंकि अभी तक तो डाइज और फिर रब डाई के अलावा इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड ये दिस इज़ आफ्टर 2 डेज़, वो जो मैंने मेहंदी वाला आपको दिखाया था, एंड दिस इज़ आफ्टर 2 डेज़। एंड जस्ट नाउ आई जस्ट शैम्पूड माई हेयर एंड यू कैन सी आई अप्लाइड हीना फर्स्ट एज आई टोल्ड यू एंड देन आई अप्लाइड इंडिगो, बट बिकॉज ऑफ द केमिकल डाइज विच आई वॉज यूजिंग, बिकॉज ऑफ दैट इट डिड नॉट टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर, बट स्टिल इट्स द हेयर क्वालिटी यू कैन से दैट इज़ लुकिंग बेटर, बट स्टिल और रेड रेड है जो मेहंदी का दैट, सो दैट इज़ वाई डिड नॉट शेयर द होल थिंग विथ यू, बट द हेयर लुक्स बेटर, द हेयर लुक्स गुड। ओके, सो दिस इज़ द अपडेट ऑफ दैट मेहंदी, दैट इज़ हीना एंड इंडिगो पाउडर, बट स्टिल द हेयर लुक्स गुड। एंड अगेन आई विल ट्राई इट फॉर वन मोर टाइम एंड लेट मी सी, बिकॉज कलर इंडिगो कलर बहुत जल्दी नहीं चढ़ता है केमिकल डाइड हेयर पे, सो फॉर दैट वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड लेट अस सी, एंड एज आई गेट द रिजल्ट आई विल शेयर इट विथ यू। तो ये अभी का है एंड बेटे का, ही इज़ डूइंग गुड ओवर देयर, ट्राइंग टू एडजस्ट, और या सो दिस इज़ व्हाट एंड दीज आर द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग फॉर प्रेजेंट। एंड बने रहिए, वैसे भी मैंने ये 2 दिन बाद उठाया है तो देखती हूँ और आज क्या दिखाती हूँ आपको, लेकिन अंत तक बने रहिए एंड कीप सपोर्टिंग एंड लाइकिंग फ्रेंड्स। प्लांट्स जिनको भैया ने लगाया था एंड नाउ ही हैज़ गॉन, सो डेफिनेटली अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको देखना, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जो कर पाऊँ, बिकॉज ही हैज़ गैदर्ड क्वाइट लॉट्स और कुछ तो गर्मी के कारण सूख भी गए हैं। एंड यस, लेट मी सी, सम आई हैव पुट इनसाइड, कुछ को अंदर डाल दिया है, बहुत धूप है, सो दिस एंड या
ये स्पिरिचुअल पार बाकी पार के साथ बहुत ज़रूरी है और ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहे, सुख शांति ही घर में रहे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका उमास लाइफस्टाइल पर। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ क्लिप्स आपने देखा होगा, आज बिटिया का फ्रेंड आ रहा है तो सुबह उसने बताया तो जो कर सकती थी मैंने बोला लंच के लिए बुला लो, तो बस। और उसके बाद आज पूजा रूम भी क्लीन करना था तो वो क्लीन किया, जिसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई। और अब अराउंड 12:15 हो रहा है और मैं नाश्ता करने बैठी हूँ नहा के। सो दिस इज़ माय नाश्ता का प्लेट एंड रोटी भुजिया एंड दही। लंच करीब करीब मैंने तैयार कर लिया, बस पुलाव बनाना है एंड इट विल बी ऑल राइट। तो बने रहिए फ्रेंड्स, अगर वो कंफर्टेबल होगा तो मैं मिलवाऊंगी आपको उससे, और मिलवाऊंगी क्या दिखाऊंगी, तो बने रहिए। दोनों स्कूल मेट्स हैं एंड बहुत कितने दिन कितने महीने हो गए। हाय गाइस, आई एम सार्थक। कितने दिनों बाद आए हो? वन ईयर, अबाउट वन ईयर। सो आफ्टर वन ईयर ही हैज कम। और सबसे गुड न्यूज है दैट तुम ही बताओ, जॉब लग गई। हाँ, ही हैज गॉट इनटू जॉब और स्वीट्स लेके आया था एंड यस। और ऐसे ही खुशखबरी अपनों के साथ बांटने में और भी बढ़ता ही है, इजंट इट? एंड ही इज माय चाइल्ड एज वेल एज माय स्टूडेंट दोनों। एंड यस, वी ऑलवेज विश ऑल द गुड फॉर आवर चिल्ड्रन। सो दैट इज व्हाट फ्रेंड्स। सो सार्थक, मजा आया? बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। अंशु तो एंजॉय की बस। और मीठा खाए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये शाम का समय है और जैसा कि आपने देखा सार्थक भी निकल गया, सार्थक चला गया है। और बस आज का ये वीडियो, काफ़ी दिन से मुझे लगता है जब से आंशु गया तब से कोई एक भी वीडियो नहीं आई, और ये थोड़े थोड़े करके मैंने काफ़ी दिन से बनाया है, तो ये सारा आज मैं दूंगी और फिर से राइज अप होके एंड फिर करती हूँ आपके लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं एंड डू कीप सपोर्टिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, ओके? एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।